देश का गृह मंत्री इतना अहंकारी है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को नमन तक नहीं किया, इसके पहले हिस्सों में भी नमन नहीं किया था। वो विदेश में राष्ट्राध्यक्ष इनका पैर छूता है। अरे हिम्मत है अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता में, तो 2013 में जो 6 कार्यकर्ता आपके मारे गए थे वो भी आपका ऑटोग्राफ लिए थे, और नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था कि नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे, कलेजा में दम है तो जाइए उसके घर पर। लाज नहीं लगता झूठ बोलने में? बताइए काद, हम बार बार बोलते हैं कि गीता पर हाथ रख के बोलो, गीता पर हाथ रख के, फिर झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया, कह दिया कि सो हम मुंगेर में मेडिकल कॉलेज, अरे 638 करोड़ रुपया हम दिए हैं, बिहार सरकार की पूंजी है। 14-19 याद था, अब 15 बोलने में लाज लग गया। 15 भी बोलते ना कि 2014 में इतना जीते, 2019 में इतना जीते, अब 15 में देव पटका, यही राजनीतिक जन्म कुंडली अमित शाह देखे थे। ये राजनीति के चंडूखाना के भाषाई लंपट देश का गृह मंत्री है जो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अपमानित टिप्पणी करे। और आज एकादशी दिन था और राहु काल शुरू हो गया था 2:07 से, राहु काल में इनका भाषण शुरू हुआ, 4:56 तक राहु काल था, और आज से लेके 23 नवंबर तक 2023 तक चतुर्मासा है, क्योंकि सनातन धर्मी ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। चातुर्मास में यह कहा जाता है कि पर निंदा नहीं करना चाहिए, जो पर निंदा करता है वह महापाप करता है, और आज माननीय अमित शाह जी ने ही काम किया। तड़ी पार देश का गृह मंत्री भाषाई रूप से लंपट हो गया है। मेरा सीधा आरोप है कि राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री ने किया है, तो मैं सीधे तौर पर कहता हूं अमित शाह भाषाई लंपट है। राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी जो टिप्पणी करेगा, टिट फॉर टैट जवाब देंगे, जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करिएगा। और मां सरस्वती से विनती जरूर करते हैं कि कुछ बुद्धि इन लोग को दीजिए। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदू सम्राट, इनको ये भी नहीं मालूम है कि कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। कॉमन सिविल कोड कह रहे हैं, अरे भैया कम से कम उन्मादे फैलाना चाहते हैं तो ज्ञान ले लीजिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहा जाता है, न उसका मसौदा तैयार है न कुछ है, प्रवचन दे रहे हैं, तो कम से कम मां सरस्वती इतना ज्ञान दीजिए कि अरे फॉलोअर ना बनना है आपको। और माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया आपको, और कितना बड़ा ये महापाप इसने किया है। इनके स्थानीय नेताओं ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का याद दिलाया, लेकिन ये देश का गृह मंत्री इतना अहंकारी है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को नमन तक नहीं किया, इसके पहले हिस्सों में भी नमन नहीं किया था। आज वहां श्रीवाऊ का क्षेत्र था, वहां भी उनको नमन नहीं करना मंजूर किया, चूंकि अहंकार चरम सीमा पर है। और हम यह जानना चाहते हैं, जांबाज नौजवान बोल रहे थे, लज्जा नहीं लगता है अमित शाह? जमालपुर का रेल कारखाना किस स्थिति में है? जमालपुर का लोको सेट किस स्थिति में है? कितने स्वीकृत पद थे और कितने पद पर आज कार्यरत हैं? नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ उस रोजगार के वादे का? रोजगार के वादे के तहत आपने यही काम किया ना कि आपने इलेक्ट्रिक लोको सेट, मेमो सेट और टावर कार, जो हमारा प्राचीन विरासत था बिहार हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान का, वो समाप्ति के कगार पर है। तो रोजगार की बात आप नहीं करते। भारत माता की जय, तो भारतीय माता का बेटा था ना, वहां नौकरी कर रहा है। 40,000 स्वीकृत पद थे, आज मात्र 7,000 ही लगभग स्वीकृत पद रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? अप्रेंटिसशिप के लिए देश भर के नौजवान हमारे यहां आते थे जमालपुर में, उस वो बाट जो हो रहे हैं आपका, इनको विदेश में राष्ट्राध्यक्ष इनका पैर छूता है। अरे हिम्मत है अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता में, तो 2013 में जो 6 कार्यकर्ता आपके मारे गए थे वो भी आपका ऑटोग्राफ लिए थे,
और नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था कि नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे, कलेजा में दम है तो जाइए उसके घर पर, जाइए उनके घर पर, छह परिवार आपका बाग जो रहा है, विधवा मां पिता, उसके पिता अगर नहीं है तो उसकी मां विधवा है, बेवा है, उसके बच्चे अनाथ हो गए, वो बाढ़ जो हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था नौकरी देंगे, आज तक उनको नौकरी नहीं दिया। और ये टाल के इलाका में गए थे, हम लोगों ने सुबह में ही अनुरोध किया था कि भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती और पंडित कार्यानंद शर्मा की ये भूमि है, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजिए, एल्थ्रोसिल ले लिया, जवान कैद खाना में कैद हो गया, बोलिए नहीं निकल रहा था। कितना अज्ञानी इस देश का गृह मंत्री तड़ी पारी है, वर्षापात को कह रहा है कि आंधी हो रहा है, अरे आंधी या पानी में अंतर नजर नहीं आता है, अगर इतना भी ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की भूमि है, आंधी आ रहा है, कहां आंधी आया, लखीसराय में आंधी आया था कि पटना में आंधी आया था, हाँ राजनीति की आंधी आई है, तो जिसको आंधी या वर्षा में अंतर समझ में नहीं आता है उसको इस देश कितना समझ में आएगा, ये तो स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं कि टाल का इलाका है, 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मोकामा गए थे, बाबा परशुराम, बाबा चौहर मल, दिनकर सबकी चर्चा किए, लेकिन टाल के इलाके के लिए 1 रुपया नहीं दिया। और नंबर 2 भी आए तो भी खामोश, नहीं जुबान चल पाई इनकी कि टाल के इलाके के विकास के लिए। और जंगल राज कहते हो बिहार में, अरे अमित शाह बड़ी ज्ञान के पंडित अगर आप हैं, मैं आंकड़ों के माध्यम से चुनौती आपको दे रहा हूं, ये हमारे आंकड़े हैं, और इन आंकड़े में जब आप हमारे साथ थे और जब महागठबंधन हमने बनाया, चूंकि कानून का राज हमारा यूएसपी रहा है, तो कुल संज्ञेय अपराध में लखीसराय में 0.22.77% की कमी आई है, 22.77% की कमी, हत्या में 32.80% की कमी, सेंधमारी में 24.62% की कमी, चोरी में 10.40% की कमी, और 51% दंगे में कमी, और अपहरण जो शादी विवाह बहुत तरह की घटनाओं में होता है 23.78% की। ये आंकड़े हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी, और आज जो अगस्त दिसंबर 2022 तक अपराध में कमी आई है, लखीसराय मुंगेर में कुल संज्ञेय अपराध में कमी आई, हत्या में कमी आई, डकैती में कमी आई, रॉबरी में कमी आई, फिरौती के लिए अपहरण 0, उसके बावजूद ही जंगल राज बोलते हैं। अरे जंगल राज के नायक तो तुम हो, देश का गृह मंत्री है, जो देश विरोधी संगठन, जो देश को खंडित करने की योजना बना रहा था PFI, उसका कार्यालय दिल्ली में खुलवा करके रखे हुए थे। ये अमित शाह से बड़ा कोई देश के अंदर ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो देश विरोधी संगठन को भी राजनैतिक रूप से वोट के सौदागर के रूप में पल्लवित और पुष्पित करते रहे। इसलिए हम आप ज्ञान देखिए इनका, ये मेडिकल कॉलेज खोल दिए मुंगेर में, लाज नहीं लगता झूठ बोलने में, बताइए का हम बार बार बोलते हैं कि गीता पर हाथ रख के बोलो, गीता पर हाथ रख के फिर झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया, कह दिया कि सो हम मुंगेर में मेडिकल कॉलेज, अरे 638 करोड़ रुपया हम दिए हैं, बिहार सरकार की पूंजी है, लेना ना देना छुच्छे फूले ना वाला हाल है। कह दिया वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज हम बनाए हैं, कौन पैसा, नरेंद्र मोदी की नीरव मोदी, किसका पैसा, ये हमारा है, इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहे हैं हमारा, बताइए, इतना लज्जा इसको नहीं लगता इस आदमी को, असत्य बोलते हुए हिंदूवादी है, कह दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया है, मेडिकल कॉलेज 638 करोड़ कैबिनेट की स्वीकृति राज्य सरकार ने दिया, अरे और कहा गंगा सेतु पुल, अटल जी का अपमान कर रहे हो, अमित शाह लज्जा नहीं लगता है, जब माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के देश के रेल मंत्री थे और अटल जी थे देश के प्रधानमंत्री, अटल जी ने उसका शिलान्यास किया था, तो नरेंद्र मोदी के खाता में कैसे आ गया। इसीलिए हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि अटल जी का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह का DNA,
अब तक तो वीर कुंवर सिंह को दफन कर रहे थे, श्रीबाबू का अपमान कर रहे थे, अब तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी इतिहास से दफन करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप आप कौन सा बिहार में टाल योजना है, 1367 करोड़ हम लगाए, आपने एक रुपया नहीं दिया। और कहते हैं कि ये पार्टियों का गठबंधन है, 2004 से 2014 तक 20,00,000 करोड़। अरे कायर गृह मंत्री हो, कायर इस देश का प्रधानमंत्री है कि 2004 से 14 तक अगर भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई और 2014 से लोग 2023 तक देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राज्यपाल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत, और तब आप भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर अगर प्रवचन देते हैं तो देश का कायर प्रधानमंत्री और देश का कायर गृह मंत्री बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित क्यों नहीं किया, आतंकवाद को नियंत्रित क्यों नहीं किया, धारा 370 पर प्रवचन देते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरा सीधा आरोप है कि देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार है, जो भाषाई रूप से विकृत हो गया है, वह कहता है धारा 370 खत्म हो गया। बताइए धारा 370 खत्म हो गया है? अगर मैं जानना चाहता हूं आदरणीय, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 370 जे खत्म हो गया, बताओ अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला है कि देश की जनता के सामने झूठ बोला है आपने? 370 जे के आज कायम है, कर्नाटक आर्टिकल 371 कायम है, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, ये कैसे कायम है? अगर धारा 370 आपने खत्म कर दिया तो 370 जे कैसे कायम है? अरे ज्ञान की भूमि है, राजनीति पोस्टमार्टम कर देंगे आपका, झूठ मत बोलिए। हम यह जानना चाहते 371 क्या हुआ, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आसाम, 371C स्पेशल प्रोविजन विथ द स्टेट ऑफ मणिपुर, जहां लाचार हो गया यह गृह मंत्री, ये प्रवचन कर रहा है बिहार में अमित शाह, 3 दिन मणिपुर में रहे और मणिपुर में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन यह देश का 56 इंच का सीना का राजनीतिक बारिश असफल हो गया। अब बिहार में इनको कानून का राज, जंगल राज नजर आ रहा है। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं, बौद्धिक बहस करिए, ये प्रवचन मत करिए। जिसके मंत्री को यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में अंतर समझ में नहीं आता है, जिसको राज्य सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार की उपलब्धि नजर नहीं आती है, जिसको धारा 370 की समझ नहीं हो, वह देश का गृह मंत्री बना हुआ है और भाषाई रूप से लंपट हो गया है। इसलिए सीबीआई, ईडी, आईटी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम आपके पद हैं, और मैं तो चुनौती दे रहा हूं, अमित शाह अगर कलेजा में दम है तो मुंगेर के माननीय सांसद ललन सिंह जी हैं, आपको तो ललन बाबू का फोबिया सवार है, नीतीश कुमार जी का फोबिया सवार है। अरे नीतीश कुमार जी तो विपक्ष की आवाज है, 45 एमएलए की पार्टी हम, नाको दम कर दिए हैं सबको, बेचैन है नरेंद्र मोदी अमित शाह, कोई मध्य प्रदेश में कराहता है, कोई केरला जाके कराहता है, ये महागठबंधन की ताकत है। तो 14-19 याद था, अब 15 बोलने में लाज लग गया, 15 भी बोलते ना कि 2014 में इतना जीते, 2019 में इतना जीते, अब 15 में देह पटका, यही राजनीतिक जन्म कुंडली अमित शाह देखे थे, कहते मुख्यमंत्री जी इतना बजे निकलेंगे, इतना बजे इस्तीफा दे देंगे, बेचारे बैक टू पेविलियन चले गए। इसलिए मेरा सीधा आरोप है कि अमित शाह जी आप हिंदू धर्म के तथाकथित पैरोकार हैं, अशोक धाम को अशोक गुफा कह दिया, इतना भी जानकारी नहीं, भगवान हमारा घर, हमको तो इतना लाज लगा बोल रहा था, अशोक गुफा है वह अशोक धाम है, स्वतः भगवान शंकर का उदय हुआ है वहां पर, वहां कह रहा अशोक गुफा, तो केदारनाथ का गुफा है वो, मैंने गुफे में जाना चाहते हो,
24 के बाद जो राजनीति के गुफा में जाना है उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये सीधे तौर पर कहता हूं, न इनको अद्यतन जानकारी रहती है। ये राजनीति के चंडूखाना के भाषाई लंपट देश का गृह मंत्री है, जो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अपमानित टिप्पणी करे। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा हूं कि खबरदार, अपनी भाषा को नियंत्रित करिए, नहीं तो आपका सीबीआई, ईडी या मानहानि या इस सब का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर लंपटाई की भाषा बोलोगे तो तुमसे ज्यादा बड़ा लंपट हम लोग हैं, ज्यादा लंपट की भाषा हमको बोलने के लिए आता है। इसलिए भाषाई रूप से सुसंस्कृत बनिए, नीतिगत सवाल पर मतभेद रखिए, नीतिगत सवाल पर नजरिया रखिए, और असत्य जब बोलिएगा तो आपका तो राजनीति का पोस्टमार्टम करते रहेंगे। जब जब आइएगा तब तब आपका झूठ का मशीन पकड़ने को तैयार हम हैं। अमित शाह के आने से बीजेपी करिए डरी हुई है, तो अमित शाह अपराधी है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही हो कि अमित शाह के आने से जदयू डर गया या महागठबंधन डर गया, तो इसका मतलब अमित शाह अपराधी है। भाजपा कह रही है कि अपराधी से ना कोई डरेगा, हम तो देश का गृह मंत्री मानते हैं। अब अमित शाह आपकी अग्नि परीक्षा है कि अगर आपके नेता यह बयान दे रहे हैं कि जनता दल और महागठबंधन डर गया है अमित शाह के आने से, तो आपकी पार्टी ने आपको अपराधी घोषित कर दिया, गृह मंत्री आपको नहीं मानता है, इस बात की पुष्टि हुई। देखिए, राजनीतिक भविष्यवक्ता तो हम हैं नहीं, लेकिन हम सनातन धर्म के हिसाब से जरूर देखते हैं। हमारी बैठक पंचमी दिन हुआ है, बड़ा शुभ दिन है, और इसकी बैठक आज हुआ है 29 तारीख, एकादशी है, राहु काल है, और 2, 9, 11 है, 11 का मतलब रफू चक्कर। तीन लोग तो राजनीति में रफू चक्कर हो जाएंगे, और इस ढंग का भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो फिर व्यक्तिगत टिप्पणी सुनना पड़ेगा।